अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम टिट फॉर टैट का सेकंड पार्ट लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जैसे को तैसा अदले का बदला। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तमाम किस्म के जानवर और परिंदे जंगल में रहते हैं। द एलिफेंट एंड द जैकॉल वर वेरी डिफरेंट इन शेप एंड साइज। हाथी और गीदड़ अपनी जिस्म जसामत में, अपनी बनावट में मुख्तलिफ हैं। वन वॉज शॉर्ट, एक छोटा है। द अदर वेरी टॉल, दूसरा बहुत लंबा है। वन वॉज थिन, एक पतला है। एंड द अदर वेरी फैट, और दूसरा बहुत मोटा है। वन वॉक्स स्लो, एक धीरे चलता है। द अदर रन्स फास्ट, दूसरा तेज दौड़ता है। वन एट अलॉट, एक बहुत ज़्यादा खाता है। द अदर अ लिटिल, दूसरा कम खाता है। हु वन द रेस बिटवीन रैबिट एंड द टॉर्टॉइस, कौन जीता था कछुए और खरगोश के दरमियान। हु किल्ड द लायन, शेर को किसने मारा। हु गेव द कुकू द फर्स्ट प्राइज फॉर सिंगिंग, किसने दिया था कोयल को गाने का पहला इनाम। द एलिफेंट गॉट ऑल द न्यूज़ विदाउट गोइंग एनीवेयर, हाथी तमाम खबरें पा लेता था बगैर कहीं आए जाए। बोथ लिव्ड हैप्पली, दोनों खुशी से रहते थे। देयर वॉज अ रिवर, वहाँ एक नदी थी। वेयर द फॉरेस्ट एंडेड, जंगल के आखिरी, जंगल के ख़त्म होने के हिस्से में एक नदी थी। ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर देयर वर शुगर कैन एंड वाटर मिलन फील्ड, नदी के दूसरे किनारे गन्ने और तरबूज के खेत थे। नदी के दूसरे किनारे गन्ने और तरबूज के खेत थे। द जैकॉल्स माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ द शुगर केन, गीदड़ के मुंह में पानी भराया जबकि उसने शुगर केन गन्नों को देखा। ही सेड टू एलिफेंट, उसने हाथी से कहा, आई हैव ब्राउट गुड न्यूज़, यहाँ पे गुड न्यूज़ होगा, मैं आपके लिए एक खुश खबर लाया हूँ। अक्रॉस द रिवर देयर आर शुगर कैन फील्ड, नदी के उस पार गन्नों का खेत है। वाई डू वी नॉट गो देयर टू नाइट, क्यों ना आज रात हम वहाँ जाएं। यू कैन क्रॉस द रिवर ईजली, तुम आसानी से नदी पार कर सकते हो। एंड आई कैन राइड योर बैक, और मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊँगा। द एलिफेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द जैकॉल, हाथी ने गीदड़ को समझाने की कोशिश की। फॉरेस्ट इज़ आवर, जंगल हमारा है। बट द फील्ड आर फार्मर्स, लेकिन खेत किसानों के हैं। वॉट एवर ग्रोज इन द फॉरेस्ट इज़ आवर, जो कुछ भी जंगल में बढ़ता है वो हमारा है। बट इफ़ वी ईट फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड इट वी बी स्टीलिंग, लेकिन अगर हम किसानों के खेत से खाएंगे तो वो चोरी होगी। द जैकॉल वॉज डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट, गीदड़ पहले तो नाउम्मीद हुआ। बट ही डिड नॉट गिव इट अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ही डिड नॉट लेट द एलिफेंट फॉरगेट अबाउट द शुगर केन, उसने हाथी को गन्ने वाली बात भूलने ना दी। वेन एवर ही फाउंड द राइट टाइम, जब भी वो सही वक्त पाता, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में बात करना शुरू कर देता। द एलिफेंट वॉज सिंपल, हाथी बहुत सीधा था। ही एग्रीड टू क्रॉस द रिवर, वो नदी पार करने के लिए राजी हो गया। इट वॉज मूनलिट नाइट, चांदनी रात थी। द जैकॉल क्रॉस द रिवर राइडिंग द एलिफेंट्स बैक, गीदड़ ने हाथी की पीठ पर सवार होकर नदी पार की। बोथ द एलिफेंट एंड द जैकॉल प्लग्ड शुगर केन एंड स्टार्टेड ईटिंग देम फास्ट, हाथी और गीदड़ दोनों ने गन्ने तोड़ना शुरू किए और उन्हें तेज़ी से खाना शुरू किया। द जैकॉल वॉज फुल सून, जैकॉल का पेट बहुत जल्दी भर गया। नाउ ही स्टार्टेड फियरिंग दैट द फार्मर वुड कम एंड बीट देम अप, अब उसे डर हुआ कि किसान आ जाएंगे और उसे मारेंगे। ही सेड, उसने कहा, ब्रदर, भाई, हरी अब जल्दी करो, वी हैव टू रिटर्न, हमको वापस होना चाहिए, हमको वापस चलना है। द जैकॉल रिपीटेड दिस मैनी टाइम्स,
गीदड़ ने कई बार ये बात दोहराई। द एलिफेंट सेड एंग्रीली, हाथी ने गुस्से से कहा, यू मे गो इफ यू वॉन्ट टू, तुम जा सकते हो अगर तुम जाना चाहो। आई शैल बी हेयर ऑल नाइट, मैं यहाँ पूरी रात रुकूंगा। बट हाउ कुड द जैकॉल गो अलोन, लेकिन गीदड़ अकेले कैसे जा सकता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही स्टार्टेड हाउलिंग लाउडली, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। द एलिफेंट वॉर्न्ड हिम, हाथी ने उसको समझाया, आगाह किया। द डू नॉट हाउल, के शोर मत करो। द फार्मर्स विल कम, किसान आ जाएंगे। द जैकॉल होल्डेड अगेन एंड अगेन, गीदड़ ने दो बार बार शोर किया। द ओनर ऑफ द फील्ड हर्ड द हाउल, खेत के मालिक ने आवाज़ को सुना। दे रश्ड टू द फील्ड कैरिंग हैवी स्टिक्स, वो खेत की तरफ भारी मोटी छड़ी लेकर आए। दे रन अवे, वो दोनों भाग गए। व्हेन दे वर क्रॉसिंग द रिवर, जब वो दोनों नदी पार कर रहे थे। द एलिफेंट सेड, हाथी ने कहा, आई टोल्ड यू नॉट टू होल, मैंने तुमसे कहा था कि शोर मत करो, आवाज़ मत करो। बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। द जैकॉल सेड, गीदड़ ने कहा, आई वॉज सिंगिंग नॉट हाउलिंग, मैं गा रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। वी जैकॉल सिंग आफ्टर अ गुड मील, हम गीदड़ अच्छा खाने के बाद गाते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी है। When they were right in the middle of the river, जब वो नदी के बिल्कुल दरमियान में पहुँचे। The elephant took deep water, got in jackal's eyes, ears and nose, तो हाथी ने पानी में डुबकी लगाई। गीदड़ की आँखें, कान और नाक पानी में डूब गए। The elephant dipped 4 or 5 times, हाथी ने ऐसा 4 से 5 बार किया। The jackal was afraid that he will die, गीदड़ को डर हुआ कि वो मर जाएगा। ही बेग्ड ऑफ द एलिफेंट, उसने हाथी से इल्तिजा की, गुजारिश की। ब्रदर, भाई, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्या कर रहे हो। द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने जवाब दिया, जस्ट हैव यू जैकॉल हैव टू सिंग आफ्टर अ गुड मील, जिस तरह से गीदड़ अच्छा खाना खाने के बाद गाते हैं। We elephant have a bath, it is necessary for us after a good meal, इसी तरह हम हाथी भी अच्छा खाने के बाद नहाते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।